नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये देखिए, एक बाउल ली हूँ और ये कप ली हूँ स्टील वाला। आज मैं उपवास में खाने वाला साबूदाना खिचड़ी बनाने वाला हूँ। ये देखिए, इसमें भर के मैं एक कप साबूदाना ली हूँ, ये देखिए, और एक कप लेती हूँ। ये पूरा 2 कप में मेरा 1/4 किलो है साबूदाना, तो इसको हम 2 कप लिए है, इसको हम जाते हैं धोने के लिए। ये देखिए, ऐसे करके 2 पानी हम साबूदाना को अच्छे से ऐसे धो लेंगे। मैं एक बार धो ली हूँ और एक बार पानी को देखती हूँ। बस इसको ये देखिए दोस्तों, 2 पानी में अच्छे साबूदाना को मैं धो ली हूँ। अब जिस कप से मैं ली हूँ 2 कप साबूदाना, ये 1 पाव है, मैं जो पैकेट लाए थे ये 1/4 किलो का पैकेट है। ये देखिए, ये 1/4 किलो का पैकेट है साबूदाना का, तो इसी कप से मैं नाप के दिए हूँ। तो इसी कप में मैं 1 कप पानी दे देती हूँ। पानी हमको ज़्यादा देना ही नहीं है, 2 कप साबूदाना में 1 कप पानी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, बस इसी पानी को पानी में ये एडजस्ट हो जाएगा। अभी इसको हम पानी और देंगे नहीं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई देना चाहिए ऐसे ही। जब भी बनाइए, जिस चीज़ से साबूदाना का इस्तेमाल नापेंगे उसी चीज़ से। अभी 1 कप ले रहे हैं तो आधा कप पानी, 2 कप ले रहे हैं तो 1 कप पानी। तो इसको हम 4 से 5 घंटा के लिए ढक्कन लगा कर रख देते हैं। साबूदाना पूरा 4 घंटा हो गया है। ये छोटे वाला दाना है, लोग बड़े वाला दाना दिखाते हैं, मैं छोटे वाला दाना के बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से खिली खिली हुआ है, अंदर तक आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए, पानी नहीं है कितना, और ये कितना सॉफ्ट हो गया है देखिए। तो ऐसा करके साबूदाना का प्रोसेस जो बताई हूँ उसको अपनाइएगा। अभी छोटे चम्मच में 2 चम्मच तेल ली हूँ, ये देखिए, और यह हम मूँगफली ली हूँ, मूँगफली ली हूँ 20 का, ये सॉरी 150 ग्राम है, 150 ग्राम मूँगफली को भाग लेते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं मूँगफली को। देखिए 3 मिनट हो गया है, अच्छे से ये भुन गया है। अभी ये देखिए दोस्तों, दोनों हिस्से में बांट ली हूँ मैं। इसको दरदरा पीसेंगे, इसको दरदरा कूटेंगे और ये इसको बारीक करके पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बारीक पीस लिया, ये दरदरा कूट ली हूँ। उसी ऑयल में हम बटाटा को भी भून लेते हैं दोस्तों। 2 से 3 मिनट तक बटाटा को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, 3 मिनट तक भून ली हूँ। इसको अभी हम साइड कर देते हैं। अब इसमें जीरा को भून लेते हैं। जीरा सा अच्छे से पक गए तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। जीरा और आलू अच्छे से भुन गया है, ये देख सकते हैं। अभी कड़ी पत्ता है जो दे देंगे, 2 तेज पत्ता है और थोड़ा हरी मिर्च है। मैं लंबा साइज का 2 मिर्च काटी हूँ और 2 बारीक करके काट दी हूँ। जो साबूदाना रखे हैं उसको ऐड करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गैस को मीडियम में करके ही पकाइएगा, नहीं तो वो चिपक जाएगा। गैस को मीडियम में करके पकाइएगा। और यह हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। व्रत के लिए मैं बना रही हूँ तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। उसमें काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी दरदरा कुटा हुआ मूँगफली को दे देंगे और बारीक कुटा हुआ मूँगफली को भी उसमें दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा साबूदाना की खिचड़ी बन के रेडी हो गए। हरा धनिया दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा साबूदाना की खिचड़ी खिला खिला एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया है।
उपवास के लिए बहुत अच्छा रहता है। रेसिपी कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।